हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने परसेंटेज के विषय में भी बताया था, कुछ छोटे क्वेश्चन बताए गए थे, और उसके बाद आज कुछ बड़े क्वेश्चन जो रेलवे में पूछे गए हैं उनका सन दिया हुआ है। अब हमें ध्यान देना है कि जो हमारा प्रतिशत का कंडीशन है उसमें हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ें और देखें उस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, और लास्ट में वो क्या हमसे चाहता है, उसका आंसर क्या प्राप्त करना चाहता है, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। इसमें दिया एक घड़ी जो है 1600 रुपये में बेची गई है, यानी विक्रय मूल्य दे दिया है 1600 रुपये, ये दिया हुआ है। कह रहा है कि 20% की हानि हुई है, घाटा लग गया है, तो हानि यहां लिख देंगे हम 20%। अंत में कह रहा है कि घड़ी कितने में खरीदी गई थी कि उसे घाटे के अकॉर्डिंग बेचा गया। आखिर घड़ी में या तो वह पुरानी हो गई या तो मार्केट के अनुसार वो मॉडल उसका उतने वैल्यू में नहीं रहा है जितना वर्तमान में चाहिए, इसलिए घड़ी को बेचना पड़ा। अब हमको मालूम नहीं है कि घड़ी कितने की खरीदी गई थी, वही पूछ रहा है लास्ट में। तो यहाँ पे कंडीशन केवल बेचने वाला दिया हुआ है और घाटा दे दिया है, क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना क्रय मूल्य 100 रुपया है। अब हमें मालूम नहीं है तो मानना पड़ेगा कि घड़ी का मूल्य 100 रुपया है, हानि कितना हो रही है 20%। तो 20% जो हानि हुई है तो विक्रय हो जाएगा 100 में से, या 20% घाटा जो होता है घटा दिया जाता है, 80 रुपये में बेच दिया गया। अब हमें मालूम नहीं था, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने निकाल दिया कि मान लिया 100 रुपया है और घाटा 20% लगा तो 80 रुपया में बेचा गया। अब यहाँ पे विकल्प में दिया है कि वह घड़ी बेची गई है, तो यहाँ पे लिखना है आपको, चूंकि 80 रुपये विक्रय पर क्रय मूल्य 100 रुपया है, इसलिए 1600 रुपये विक्रय पर यहाँ पे लिखा जाता है, तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा क्रय मूल्य 1600 × 100/80 हो जाएगा, इसे कट जाएगा 8 × 16 और एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा। इस तरीके से घड़ी आपकी 2000 रुपये में खरीदी गई थी। अगर आपको कहीं डाउट है कि आंसर जो हमारा आया हुआ है वो गलत है, तो सीधे इसका 20% निकाल करके घटा दीजिए, आपका विक्रय मूल्य जो क्वेश्चन में दिया वो आ जाएगा। जैसे ही हम 1600 × 20 रखेंगे, सॉरी 2000/100 करेंगे, जीरो से जीरो कट जाएगा, 2×2 = 400 रुपया आ जाएगा। यह 400 रुपया 2000 में से निकाल देंगे तो 1600 आ जाएगा, ऐसे कंफर्म हो जाएगा क्वेश्चन आपका, जो नियम बताया गया उसमें निसंदेह कोई भी त्रुटि नहीं है। अब हम ले चल रहे हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वह कह रहा है एक व्यक्ति है
जो अपनी आय का 60% खर्च कर देता है। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है कि व्यक्ति जो अपनी आय का 60% खर्च करता है तो बचत कितना हुआ? तो बचत बराबर हो जाएगा, कुल 100 में से 60 घटा दीजिए, 40% उसका बचत हो गया। ये कह रहा है कि जब 60% खर्च कर दिया तो बचत हो गया 40%। मासिक आय उसकी 3,000 रुपये है, तो कह रहा मासिक बचत कितना बचाया है। तो कुल आय का बचत निकाल देंगे हम, तो बचत बराबर लिख देंगे 3,000 × 40 / क्या हो जाएगा 100। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 4 तिहाई 1,200 रुपये का बचत हो जाएगा। इस तरीके से अगर 3,000 का 60% निकाल दिया जाएगा तो 1,800 होगा, 12 और 18 मिलकर के 3,000 हो जाएगा। क्वेश्चन को क्वालिफाई कर जाएगा, ये क्वेश्चन रेलवे में 2002 में पूछा गया था। इसके बाद आपका तीसरा जो क्वेश्चन दिया है, सारे क्वेश्चन परसेंटेज के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं, यदि प्रतिशत की आपको जानकारी है तो आसानी से हल कर सकते हैं, जैसा कि मैं प्रतिशत निकालने के लिए पिछले वीडियो में बताया था। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन जो कह रहा है, यह दिया है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 41% वोट मिला है, 41% वोट मिला, जैसा कि आजकल जानते हैं अभी पिछला चुनाव हुआ, आने वाले भी चुनाव होता है, और कहीं कहीं क्षेत्रों में दो प्रत्याशी ही रहते हैं और किसी किसी जगह ज्यादा देता है। अब एक क्वेश्चन का अकॉर्डिंग जो बनता है उसी के अनुसार आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें कह रहा एक चुनाव में एक ही उम्मीदवार है जिसे कुल वोटों का 41% मिला है, इसका मतलब दूसरे प्रत्याशी को, ये पहला प्रत्याशी हो गया, यहां पे लिखा जा सकता है पहला प्रत्याशी, तो दूसरे प्रत्याशी को कितना मिल गया ये हम देखेंगे। तो 100 में से 41% अगर घटा देते हैं तो 59% हो जाएगा, ये दूसरे को मिल गया। अब कह रहा है कि दूसरे को जो मिला है 59% और पहले को 41%, दोनों को मिला दिया जाएगा तो 100% हो जाएगा। ये कह रहा है कि उसको, यानी पहले प्रत्याशी को 270 वोटों से हरा देता है। यहां लिखा है दूसरा उम्मीदवार, उसको का मतलब पहले प्रत्याशी को 270 वोटों से हरा देता है, तो कुल कितने वोट पड़े हुए थे? तो ध्यान देना कि दोनों में अंतर कितना हो रहा, पहले को तो 41% मिला, दूसरे को 59% मिला। अगर 41-41 बराबर हो जाता तो दोनों की वोटों की संख्या बराबर हो जाती, लेकिन दूसरा ने 270 वोट लेकर के जीत गया है, पहले वाले को हरा दिया है, इसीलिए इसका डिफरेंस देखा जाता, अंतर कितने का रह गया है। तो यहां पे लिखेंगे अंतर बराबर 59 - 41 यानी 8 हो जाएगा, यहां पे 18% का अंतर हो जा रहा है दोनों में, तो 18% बराबर 270 वोट हो गया। यहां लिखेंगे 18%
बराबर 270 वोट, क्योंकि 18% वो ज्यादा पा गया इसलिए 270 वोट से वह जीत गया। अब कह रहा है लास्ट में क्या कह रहा है, तो कुल पड़े वोटों की संख्या यानी उस बूथ पर कुल कितना वोट पड़ा हुआ था, तो 18% बराबर 270, इसलिए 100% बराबर कितना होगा, 270 गुणे 100 बटा 18 हो जाएगा। यहां से कट जाएगा, 9 × 3 = 27 हो जाता है, 9 × 2 = 18, 2 से कट जाएगा यहाँ पे तो 15 हो जाएगा, और 15 में 100 से हम गुणा कर देंगे तो कुल 1500 वोट पड़े थे, 1500 वोटों की संख्या हो गया। यदि आपको डाउट लगता है, यदि आपको डाउट लगता है कि 1500 वोट में कहीं भी अगर आपको डाउट लगता है, तो इस 1500 वोट का आप 41% निकाल करके दो बराबर जगहों में कर दीजिए और घटा दीजिए, बच जाएगा 18% के बराबर 270 वोट आ जाएगा, ये कन्फर्म कर देगा। यदि आपको देखना है तो 41 41 दोनों कितना हो गया, दोनों का हो जाता है 41 बराबर हो जाते, इसको हम क्या करेंगे, 41 दूना हो जाएगा 2 × 2 = 8 यानी 82%। 82% अगर इसका हम निकाल लेते हैं तो हमारा 270 वोट ही बचेगा। देखिए पंद्रह सौ गुणे 82 बटा, ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा, गुणा कर दीजिए, 15 × 2 = 30 हो जाएगा, और 15 × 8 = 120 और 3 कितना हो जाएगा, 15 × 2 = 30, 5 × 2 = 10 और 5 × 8 = 40, 1 = 41 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और यहाँ पे 8 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 0 और यहाँ से हो जाएगा 3 × 8 = 4 = 12, 1230 वोट, 1230 वोट तो बराबर हो गया 41 41%। अगर 1500 वोट में से 1230 घटाते हैं तो 270 कंफर्म है, आपके क्वेश्चन में कहीं भी कोई डाउट नहीं है। जैसे ही 1500 में से इसको हटाएंगे तो 270 वोट आपका ये आ जाएगा। अब इसके बाद हम चौथे क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, ये क्वेश्चन रेलवे में 2001 में पूछा गया था। चौथा क्वेश्चन कह रहा है एक चुनाव में केवल दो ही प्रत्याशी, यहां कंफर्म कर दिया है कि एक चुनाव में केवल दो प्रत्याशी हैं, एक प्रत्याशी जिसे 43% वोट प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन को समझना है कि पहला यानी एक प्रत्याशी तैतालीस परसेंट उसको वोट मिला है, इतना प्रतिशत वोट मिला है। आगे कह रहा उसे 420 वोटों से नामंजूर कर दिया गया। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दिया है, उसको सीधे हराने के लिए नहीं कह रहा है, यहां पे कह रहा है कि नामंजूर कर दिया गया, इसका मतलब उसको हार मानना पड़ा। क्वेश्चन को आपको समझना है, इसमें स्पष्ट लिख दिया कि वो हरा देता है, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, नामंजूर कर दिया गया, मतलब उसको जीत घोषित नहीं किया गया। तो एक प्रत्याशी को इतना मिला है तो दूसरे प्रत्याशी को
कितना वोट मिलेगा, 100 माइनस 43 कर देंगे, क्योंकि जो भी वोट पड़ता है चाहे वो 500 हो, 1000 हो, 420 हो, 970 हो, 1575 हो, जितना भी वोट पड़ता है उसको कुल वोटों को 100% पर लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि पूर्णांक में ही वो हो। जिस बूथ पर अगर मान लीजिए 1840 वोट मिला है दो प्रत्याशियों को बीच में, इसको 1840 को 100% के अकॉर्डिंग उसका कैलकुलेशन किया जाता है, ये याद रखना है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, पहले प्रत्याशी को 43% वोट मिले हैं तो दूसरे प्रत्याशी को कितना होगा, 100 में से घटा दिया जाएगा, 10 में से 3 जाएगा 7 हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा 5 हो जाएगा, यानी 57% मिल गया दूसरे को। अब कह रहा है 420 वोटों से ना मंजूर किया गया, मतलब 420 वोटों से हरा दिया गया, उसको हार मानना पड़ा है। अब दोनों प्रत्याशियों में अंतर देखा जाएगा, अंतर इसलिए देखा जाता कि 43 43 तो बराबर होता है, इसलिए 57 माइनस 43, तो यहाँ पे 7 में 3 या 4 और यहाँ 1 हो जाएगा, 14% दूसरे ने ज्यादा पाया है। तो 14% जो वोट उसको मिला है वह 420 वोट के बराबर है, क्योंकि 14% वोट से उसने जीता है। तो यहां पे लिखेंगे चूंकि 14% इक्वल हो गया 420 वोट। अब कह रहा कुल कितना वोट डाला गया पेटी में, इसलिए 100% बराबर हो जाएगा 420 × 100/14, 14 × 3 = 42 होता है, यानी 30 हो जाएगा, कुल वोट हो जाएगा 3000 वोट पड़े हैं। इस तरीके से हम वोटों की संख्या निकाल लेते हैं। अगर कहता है कि दूसरे प्रत्याशी को कुल कितना वोट मिला, तो 3000 का 57% निकाल लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन वो बदलता रहता है, क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा। अगर कहता कि हारा हुआ प्रत्याशी कितना वोट पाया है, तो कुल वोट का 43% हमें निकालना पड़ेगा, जबकि रेलवे के टीसी एग्जाम में यह क्वेश्चन 2001 में पूछा गया था। अब पुनः मैं सभी चारों क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिससे आपका डाउट कंफर्म हो जाए। एक घड़ी का मूल्य 1600 रुपया दिया हुआ है, जो बेच दिया गया है यानी विक्रय में दे दिया है। घाटा कह रहा 20% है, तो 100 मान करके आप निकालेंगे। अगर 1600 की जगह मान लीजिए कुछ अन्य होता, तो भी हम 100 मान करके 20% घटाएंगे, तो 80% उसका निकलेगा। इस तरीके से 80 रुपये पर क्रय मूल्य 100 वो बनता है, तो 1600 पर कितना बना था वो दिखाया गया है। एक व्यक्ति जो अपनी आय का 60% खर्च कर देता है, आय दिया है यहाँ पे 3000, इसके दो तरीके हैं, 3000 × 60/100 कर लीजिए, खर्चा उसका पता चल जाएगा, बचत आपका निकल जाएगा, 3000 में से घटा देंगे, या 60% जो खर्च कर दिया है तो बचत तो 40% हुआ ना, तो 3000 का 40% निकालेंगे तो 1200 रुपये आ जाएगा, कन्फर्म, उसमें कहीं संदेह नहीं है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 41% वोट मिला है, दूसरा उम्मीदवार उसको यानी पहले वाले को 270 वोटों से हरा देता। अगर इस टाइप के क्वेश्चन है तो 100 में से पहले 41 घटा देंगे तो 59 हो जाएगा, और जो अंतर बनता है 41 और 59 का वो 18 हो जाएगा, 18% बराबर 270 होता है,
इसलिए 100% बराबर निकाल लिया जाएगा, कुल वोट मालूम हो जाएगा। यदि जीते हुए प्रत्याशी ने कितना वोट पाया तो कुल वोट का 59% आप निकाल लीजिए, हारे हुए का पूछता है तो कुल वोट का 41% निकाल लीजिए, निसंदेह आपका आंसर क्लियर रहेगा। लास्ट क्वेश्चन, मैं कह रहा हूं चुनाव में केवल दो ही प्रत्याशी हैं, एक प्रत्याशी जो है वह 43% वोट पाता है, जो कमेटी बैठी हुई नामंजूर कर देती है, मान लेती है कि तुम हार गए हो। क्वेश्चन को सीधे न कह करके घुमा देता, उसको आपको समझना पड़ेगा कि 420 वोटों से नामंजूर कर दिया गया, यानी उसको हटा दिया गया, यानी जो जीता है वो 420 वोट अधिक पाया है। अब हम क्या करेंगे, 100 में से 43 को घटा दिया गया यहां जो दिखाया गया है, तो आपका 57% बना हुआ है। कैलकुलेशन आपको सावधानी से मिलाना होगा, कहीं गलत ना हो। लास्ट में 14% का डिफरेंस आया, 14% बराबर 420, इसलिए 100% बराबर 3000 वोट। अगर कहीं डाउट लगता है तो आपको चेक करने की विधि बताए हैं। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कम से कम समय में देखते देखते ही आप बता देंगे। ऐसे क्वेश्चन अगर हैं तो सीधा आप जाइए 41 सौ में से घटाइए, दोनों का अंतर देखिए कितना हो रहा, 270 यहाँ दिया है, उतने अंतर से फिर 100% निकाल लीजिए, पूरा वोट मिल जाएगा। या जीते हुए प्रत्याशी का पूछता है कभी कभी, यहाँ पूछ देता है कि जीते हुए प्रत्याशी को कुल कितना वोट मिला, अगर यहाँ पे कह देता है तो 3000 का 57% हम निकाल लेंगे। इस तरीके से हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। आई होप जो कुछ भी इस वीडियो में दिखाया गया पूर्णतः आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। यह बात जो वीडियो में दिखाया गया है, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अपने मित्रों तक, जो भी स्टूडेंट्स हैं सभी के पास अपने अकॉर्डिंग आप शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो से देख करके इस प्रकार के क्वेश्चन को समझ करके अपनी परीक्षाओं में वो सफलता प्राप्त कर सकें। यही हमारा प्रयास है। धन्यवाद।